नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का है। शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद मोहन कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। खबर है कि कैबिनेट विस्तार में 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें से एक नाम कांग्रेस छोड़कर आए राम निवास रावत का है, उन्हें मोहन कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट विस्तार की अटकलें अब तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की और इसके बाद मोहन कैबिनेट के विस्तार की अटकलें भी तेज हो गई हैं। कैबिनेट विस्तार में 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक नाम कांग्रेस छोड़कर आए राम निवास रावत का भी सुर्खियों में बना हुआ है कि उन्हें मोहन कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। कांग्रेस ने इस बार मुरैना सत्यपाल सिकरवार को टिकट दी, इसको लेकर राम निवास रावत काफी नाराज भी हो गए थे, फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इस बात को भी उठाया कि राम निवास रावत अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो फिर वो विधायकी क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं विधानसभा के अध्यक्ष उनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं और अब कैबिनेट में राम निवास रावत को जगह मिल सकती है, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। गृह मंत्री से मुलाकात की सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुलाकात की। और कैबिनेट विस्तार में 2 कौन हो सकते हैं, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अशरफ काजमी जुड़ गए हैं और भोपाल से शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। पहले अशरफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। तमाम मुद्दों को लेकर जाहिर तौर पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो चर्चा में शामिल रहे होंगे, गृहमंत्री अमित शाह के साथ सीएम डॉक्टर यादव के, और कैबिनेट एक्सपेंशन भी होना है। क्या माना जाए कि इस मुलाकात जो दिल्ली में हुई है उसमें ये मुद्दा भी रहा होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए इसकी जो वजह यह है कि एक हफ्ते में दूसरी बार गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। पिछले हफ्ते जब बुधवार को यहाँ देर रात शाम आए थे तो रात में गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी, अगले दिन प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई थी और आज फिर गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है। तो ये बहुत साफ संकेत है, राजनीतिक रूप से इसे समझा जाए तो कैबिनेट विस्तार को लेकर ही चर्चा की गई है और किन लोगों को इसमें शामिल करना है उन नामों पर भी चर्चा की गई है। अब वो नाम कौन से होंगे इस पे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक रूप से, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के में जो कैबिनेट का विस्तार होगा उसमें राम निवास रावत का नाम भी हो सकता है, इसके अलावा एक और नाम हो सकता है, लेकिन अंतिम मोहर लगेगी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से। वो संगठन को देखते हैं, वो जिन लोगों का नाम रिकमेंड करेंगे उन्हीं लोगों को मोहन कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। हालांकि उन्होंने आज जो मुलाकात हुई है तो उसमें गृह मंत्री के साथ भी हो सकता है इस मसले को लेकर चर्चा की गई और कौन कौन संभावित नाम है, किन को जगह दी जा सकती है और उनकी क्या अच्छाई है और क्या कमी है, सभी तमाम प्रोजन कौन सामने रखे गए होंगे। ठीक है, शैलेंद्र भदौरिया का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भोपाल की अगर बात करें तो वहां किस तरह की सुगबुगाहट है नामों को लेकर या कैबिनेट विस्तार को लेकर? देखिए अपर्णा, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी में 3 कांग्रेसी विधायक शामिल हुए हैं, जिसमें से एक पर जो है अभी चुनाव हो रहा है, अमरवाड़ा, इसके अलावा बीना और विजयपुर, ये 2 सीटें हैं जिनके अभी विधायकों ने इस्तीफा नहीं दिया। और जिस तरीके से मोहन सरकार ने हाल ही में अभी अपने 6 महीने पूरे किए और 180 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश किया है और जिस तरीके से आज केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात हुई, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में अब सियासी हलकों में अटकलें लगना तेज हो गई कि जल्द ही मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और एक जिसमें नाम सबसे ऊपर है वो राम निवास रावत का भी है, क्योंकि देखिए राम निवास रावत जो है काफी सीनियर विधायक है और एंड टाइम पर उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा था, मुरैना से जो टिकट वितरण हुआ था उसको लेकर वो नाराज थे। उसके पहले नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की उनकी चर्चाएं थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी, इसके चलते ही उन्होंने पार्टी को अलविदा कहा था। तो काफी सीनियर नेता है, ग्वालियर चंबल संभाग के एक दिग्गज नेता के तौर पर खासकर ओबीसी वर्ग से आते तो माने जाते हैं जी।
है वो कहीं ना कहीं ये कमलेश शाह के तौर पर भी सामने आ रहा है राजनीतिक गलियारों में। कमलेश शाह जो है वो छिंदवाड़ा से आते हैं और यदि इस बार वो चुनाव जीत कर आते हैं तो उनका भी मंत्रिमंडल में जगह मिल पाना लगभग लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि ये बात सही है, अंतिम मोहर राष्ट्रीय नेता जो है वो लगाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश के हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस से जो लोग आए उनको सबसे पहले मंत्रिमंडल में सेट किया जाना है। चाहे नाम भले ही मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाओं में हो, लेकिन दिल्ली के ही गलियारे से उन पर मोहर लगनी है ये तो तय ही है। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका भी और शैलेंद्र आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए। तो वही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें एक पेड़ मां के नाम से शुरू होने वाले अभियान की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि गृह मंत्री इस कार्यक्रम में आएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर से इस अभियान को शुरू किया जाएगा, इस दौरान 51 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई, इस दौरान दोनों ही विभागों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। के प्रवास में अपने कई सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय के माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात की। मैं सबसे पहले गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी से मिला हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वे लगातार मध्य प्रदेश के विकास में सहयोग करते रहते हैं और उनको मैंने हमारे अपनी मां के नाम के पेड़ के बड़े अभियान के शुरुआत के लिए निमंत्रण दिया है और उनने हाँ भी की है। हम कोशिश करेंगे कि वो मध्य प्रदेश में जब आएँ तो लगभग 5.5 करोड़ पेड़ों का हम अपने एक पेड़ अपनी माँ के नाम के अभियान के माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। 51 लाख पेड़ हम सबसे पहले इंदौर जिले में लगाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि ऐसे और अच्छे कामों को लगातार हाथ में लेते आगे बढ़े। वहीं मोहन कैबिनेट ने मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सीएम समेत सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे, यानी सरकार पर मंत्री और सीएम के इनकम टैक्स को लेकर वित्तीय बोझ नहीं आएगा। 52 साल बाद मोहन सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर बने नियम को बदल दिया है। 1972 में सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने को लेकर नियम बनाया गया था। साल 2023-24 के वित्तीय साल की बात करें, 79.07 लाख बतौर इनकम टैक्स दिया गया। लिहाजा अब शासन पर मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, जिन निर्णयों के माध्यम से हमारी अपने उत्तरदायित्व का भी निर्धारण होता है, साथ साथ प्रदेश की प्रगति के लिए दूरंगामी दृष्टि से उन निर्णयों का बड़ा महत्व है। जैसे एक निर्णय हमने किया कि हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे, वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। सरकार ने जेल में सुविधा बढ़ाने और स्किल डेवलपमेंट को लेकर विधानसभा में बिल पेश करने की बात कही, इस प्रस्ताव पर मोहर लगी। इसके अलावा कैबिनेट ने सभी ब्लॉक में खेत की मिट्टी के परीक्षण को प्रोत्साहन कैबिनेट देगी। इसके लिए एग्रीकल्चर से पास आउट स्टूडेंट को रोजगार सरकार देगी। सुधार गृह है वो, उसमें और कैसे सुविधाएं बढ़ाई जाए और वहाँ रहने वाले बंदियों को रोजगार से जोड़ा जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में सरकार अतिशीघ्र विधानसभा में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरा वादा है गुना की जनता से कि हर माफिया का समापन हम और आप मिलकर करेंगे। ना भू माफिया बचेगा, ना राशन माफिया बचेगा, ना किसी तरीके का माफिया बचेगा। आप और हम सब मिलकर इनको यहां से रवाना करने का कार्य करेंगे। सिंधिया ने ये बातें आभार सभा में कही। वो लोकसभा चुनाव जीतने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार गुना पहुंचे थे। पहला वचन है आप
पापों और गुनाह की जनता को कि हर माफिया का समापन आप और हम मिलकर इस क्षेत्र में करेंगे। ना भू माफिया बचेगा, ना राशन माफिया बचेगा, ना किसी तरीके का माफिया बचेगा। आप और हम मिलकर इनको यहां से रवाना करने का कार्य करेंगे मेरे भाइयों। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी काला दिवस मना रही है। भोपाल में प्रदेश कार्यालय पर मीसा बंदियों के सम्मान कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने संविधान में 100 बार संशोधन किया और अब संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। उनकी माने तो जिसने 70 बार विधान लोकसभा को भंग किया हो वो लोग संविधान बचाने की दुहाई दे रहे हैं। वो लोग कल संविधान की किताबें लिए संसद के बाहर नारे लगाते थे। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को कि इमरजेंसी मत लगाओ, निर्दोष लोगों को जेल में मत डालो। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थी। इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणे की हत्या के आरोपियों के घर पर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटा दिया। हत्या के 60 घंटे बाद नगर निगम की टीम ने बुलडोजर की कार्रवाई की। हत्या के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही नगर निगम ने आरोपियों के मकान की पड़ताल शुरू कर दी थी। निगम अधिकारियों के मुताबिक हत्या में शामिल आरोपी अर्जुन के मकान पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। वहीं कार्रवाई के दौरान मोनू कल्याणे के समर्थक उत्तेजित भी हो गए थे जिन्हें पुलिस ने शांत करवाया। बीजेपी नेता मोनू कल्याणे के हत्या करने वाले आरोपियों के घर में मोहन सरकार का बुलडोजर चल रहा है। बड़ी कार्रवाई इंदौर में आज हुई उन हत्यारों पर जिन्होंने बीजेपी नेता मोनू कल्याणे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी थे मोनू कल्याणे और इस क्षेत्र में उनका काफ़ी दबदबा था। एमजी रोड का ये पूरा इलाका है और ये उषा फाटक कॉलोनी है जहाँ इस वक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई चल रही है। पुलिस और नगर निगम के लगभग 100 से ज़्यादा कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं और पोक लेन से जेसीबी से इस पूरे मकान को तोड़ा जा रहा है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि जो नक्शा इस मकान के लिए स्वीकृत था उसके विपरीत निर्माण किया गया था। ऊपर के जो दो मंजिल हैं ये अवैध निर्माण किए गए थे और उन्हीं दो मंजिलों को तोड़ा जा रहा है। यानी ये साफ साफ प्रदेश सरकार का मैसेज है उन अपराधियों के लिए जो अपराध को बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों पर सिंगंजा कसने के लिए मोहन सरकार का बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में है और मोनू कल्याण के हत्यारों के घर पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। वीडियो जर्नलिस्ट डलासाथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। नगर निगम इंदौर से एक हमको पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अतिक्रमण तोड़ने के संबंध में कानून व्यवस्था बनी रहे इसलिए बल मांगा गया था। तो सेंट्रल कोतवाली और एमजी रोड थाने का बल और पुलिस लाइन का बल हमको उपलब्ध हुआ था, उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। और ये नगर निगम ने नापजोक करके पाया है कि ये इस मकान अवैध रूप से बना हुआ है और उसे तोड़ा जा रहा है। चूँकि कोई कानून व्यवस्था उत्पन्न ना हो इसलिए मैं उपस्थित हैं और कार्रवाई की जा रही है। जितना स्वीकृति के विपरीत बना हुआ है ऊपर ऊपरी वाला जो मंजिल में से तोड़ पूरी कार्रवाई जितना बिना अनुमति के बनाया हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरा तोड़ दें। ऊपर का हिस्सा बिना अनुमति के जो भी स्वीकृति के विपरीत बनाया वो सब। निगम का कितना फोर्स इसमें लगा हुआ है? निगम के 100 लोग इसमें हैं, पर्याप्त पुलिस बल है। कोई ऐसी विवाद की स्थिति तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मथुरा में महापंचायत के बाद मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने पंडित मिश्रा के खिलाफ उज्जैन एसपी और कलेक्टर और जीवाजीगंज थाने में शिकायती आवेदन देकर FIR दर्ज करने की मांग की है। तो मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर ने भी अब शिकायत की है और मांग की है कि पंडित प्रदीप मिश्रा पर FIR दर्ज की जाए। इससे पहले बरसाना में हुई महापंचायत में बरसाना में प्रदीप मिश्रा की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला महापंचायत ने सुनाया था और अब जीवाजीगंज थाने में यह आवेदन दिया गया है। अजय पटवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, अब
यहां से भी शिकायतें सामने आई हैं लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ, जो सुर है विरोध के वो तेज हो रहे हैं। जी देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लगातार जो है विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, और जिसमें देखने में आ रहा है कि उज्जैन में कल शांतिपनी आश्रम के वंशज रूपम व्यास ने भी जो है पंडित मिश्रा को लेकर कई बातें कही थी, जिसके बाद माफी मांगने की बात भी कही थी। वहीं आज मोनी तीर्थ आश्रम के महामंडलेश्वर सोमनानंद जी महाराज के द्वारा युवाजी थाने में FIR करने के लिए आवेदन दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से राधा रानी और तुलसीदास जी के खिलाफ जो जो बयानबाजी की गई है, ऐसे में ऐसे लोगों के द्वारा जो है ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और कल शाम को 4 बजे जो है उज्जैन में भी विद्वत परिषद की बैठक बुलाई गई है, और इसको लेकर प्रदीप मिश्रा को लेकर कई अहम फैसले किए जा सकते हैं उसमें। जी बहुत शुक्रिया अजय पटवा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की न्यूरोसाइंस भवन के दूसरे फ्लोर पर लगी आग का खुलासा हो गया है। ये आग एसी में ब्लास्ट होने की वजह से लगी थी। सुबह 11 बजे के करीब दूसरे फ्लोर में लगे एसी में ब्लास्ट हुआ, उसके थोड़ी देर बाद दूसरे एसी में भी आग लग गई। इसके चलते पूरा न्यूरोसाइंस भवन की जो लैब थी वो आग की चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड की 6 टीमें यहां पहुंची और आग पर काबू पाया। ये न्यूरोसाइंस भवन है पूरा, इसमें 3 विभाग चलते हैं, बायोटेक, न्यूरोसाइंस और MIG। तो आग जो लगी है वो लगी है न्यूरोसाइंस भवन में। किस तरह से आग लगी? ये एक डीप फ्रीजर था, वो ज़्यादा हीटिंग होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया उसमें। पहला AC जल रहा था जब मैं जैसे एंट्रेंस हुआ था, सूचना के मुश्किल में आधा एक मिनट ही लगाया मैं स्पॉट पे आ गया था, क्योंकि उससे मात्र 100 मीटर की दूरी पर पॉइंट है। क्या हुआ था? तो उस समय आग AC जल रहा था, और उसी बीच में एकदम फिर वो दूसरा भी AC फटा जलने के साथ साथ, और तो ऐसे दोनों AC ब्लास्ट के कारण ये आग लगी है।